हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपके जनरल नॉलेज का जो पेपर है पुराना व्यापम में पूछा गया था वो। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, कि पहला प्रश्न है 2022 फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी करने वाला देश कौन सा होगा। तो 2022 में जो फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी करेगा वो देश है आपका कतर। कौन सा देश करेगा साथियों? कतर। आपको कमेंट में कुछ क्वेश्चंस में पूछूंगा, उसके आंसर देना है। जैसे कि कतर की राजधानी क्या है और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है मुद्रा का नाम क्या है, ठीक है। और अपने को याद रखना है 2022 में फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है? कतर करने वाला है। अगला प्रश्न आता है, जनगणना 2011 में लिंग अनुपात के रुझानों के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले को नंबर 1 स्थान पर रखा गया। तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है वो किस जिले का रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो रहा है बालाघाट जिले का। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जो बालाघाट जिला है, आप नक्शे में देखोगे तो उड़ते हुए पक्षी के आकार का है बालाघाट जिला, ठीक है। आपको याद रखना है, पहले भी पुराने पेपर में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, मटकी नामक लोक नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो मटकी मालवा में, ठीक है। तो मटकी लोक नृत्य कहाँ होता है आपका? मालवा क्षेत्र में होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, अच्छा मालवा में जो मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी मिलती है वो आप कमेंट में करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और वर्तमान में राष्ट्रपति आप जानते हैं कौन है? रामनाथ कोविंद। अगले प्रश्न की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी की आयु कितनी वर्ष पूरी हो जानी चाहिए जिससे उसको राशि का भुगतान किया जा सके। तो लाडली लक्ष्मी योजना में 21 साल की जो बालिका हो जाएगी तब उसे पूरी राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक कितनी बार जीता है। तो अभी तक 8 बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीत चुका है भारत, ओलंपिक की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में जो जनजाति संग्रहालय है वो भोपाल में बना हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक रुडियार्ड किपलिंग द्वारा द जंगल बुक का काल्पनिक बालक चरित्र था, तो ये था मोगली। जो मोगली नाम का एक बालक था उस पे लिखे थे ना, किसने लिखी थी आप जानते हैं, रुडियार्ड किपलिंग ने, जिनका पुस्तक का नाम है द जंगल बुक। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसके प्राप्तकर्ता को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उच्चतम नगद पुरस्कार दिया जाता है। उच्चतम नगद मतलब नगद राशि दी जाती है, और सबसे ज्यादा राशि नगद उच्चतम राशि तो वो है महात्मा गांधी पुरस्कार की। ये 10 लाख राशि दी जाती है, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और प्रशंसा पत्र, ठीक है। आप याद रखना साथियों, सबसे ज्यादा जो राशि दी जाती है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस पुरस्कार के तहत दी जाती है, तो महात्मा गांधी पुरस्कार के तहत। अगला प्रश्न है अपना, कि निम्नलिखित में से भारतीय मूल के त्रिनिदादियन लेखक कौन थे। तो ये थे V.S. नायपाल, याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो आज हम 10 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना इसे ना भूलें। धन्यवाद साथियों।